आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर पहले तुम उसे देख लो, नहीं तो तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सो या लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ब्रेकिंग न्यूज। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई देती है। More prehistoric creatures have been spotted. ज्यादा प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर्स देखने को मिले हैं। ये नए बने डीप होल्स और केव से निकल रहे हैं। हमें ओशन में ज्यादा ब्लू होल्स देखने मिले हैं। एडिरोंडैक में नया डीप होल देखने को मिला है। हाइकर्स केव्स में जाने के बाद मिसिंग हो गए हैं। अथॉरिटीज का क्लेम है कि उनके पास सोल्यूशन है। अटेंशन, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों, एक मैसिव लिजर्ड देखने को मिली है। कोमोडो ड्रैगन का एंशियंट रिलेटिव वापिस आ गया है। इसका नाम मेगालेनिया है एंड मेगालेनिया 23 फीट तक हो सकते हैं एंड इसका वेट अराउंड 1000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए जंगलों और वुडेड एरिया में जाने से बचें। मेगालेनिया सराउंडिंग्स में डिसअपीयर हो सकते हैं। अर्बन लोकेशंस में मेगालेनिया की साइटिंग्स हुई हैं। अगर आप मेगालेनिया को देखें, अथॉरिटीज को इमीडिएटली कॉल करें। अथॉरिटीज का नंबर है 000. अटेंशन, वोली मैमोथ नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थन रीजन में मिला है। वोली मैमोथ 15 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 6 टन के अराउंड हो सकता है। ये प्रोवोक किए जाने तक डेंजरस नहीं है। वोली मैमोथ को प्रोवोक करने का रिस्क ना लें। ये ऑलरेडी मास हंट किए जा रहे हैं उनके टस्क के लिए एंड एक टस्क की एवरेज कीमत अराउंड $10,000 है। इस बीच लेजिस्लेचर कंसिडर कर रही है कि मैमोथ की हंटिंग को बैन कर दिया जाए। टोरंटो जू अनाउंस करने के लिए एक्साइटेड है कि ये पहला जू होगा जो वुली मैमथ को जू में फीचर करेगा। मेगालोडॉन्स अभी भी एक थ्रेट है। अथॉरिटीज मेगालोडॉन को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में हमारा एक एलाय है। लिव्याटन इजीली मेगालोडॉन को मार सकता है। लिव्याटन 60 फीट तक बड़ा हो सकता है। लिव्याटन की लंबाई ऑलमोस्ट मेगालोडॉन के बराबर होती है लेकिन लिव्याटन के पास वेट में एडवांटेज है। मेगालोडॉन का वेट 50 टन होता है जबकि लिव्याटन का वेट 7 टन के अराउंड होता है। मेगालोडॉन के बाइट की फोर्स किसी भी एनिमल से ज्यादा है। इसके दांत 7 इंच से ज्यादा लंबे होते हैं लेकिन लिव्याटन के दांत ऑलमोस्ट 1 फीट जितने होते हैं। लिव्याटन के पास सुपीरियर इंटेलिजेंस है। मेगालोडॉन के खिलाफ लिव्याटन के जीतने के चांसेस 65% हैं। अथॉरिटीज को आशा है कि ये दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे को मार देंगे। इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है बट मेगालोडॉन के मरने के बाद लिव्याटन इकोसिस्टम के लिए थ्रेट बन सकता है। प्लीज स्टैंड बाय। रिपोर्ट्स कोलंबिया एंड इंडिया से आ रही हैं। इंडिया एंड कोलंबिया में 2 टाइटन सांप देखने को मिले हैं। अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स कर रही हैं। लॉकडाउन सिटीजंस को प्रोटेक्ट करने और इन क्रिएचर्स को दूसरे रीजन्स में स्प्रेड होने से रोकने के लिए लगाया गया है। दोनों स्नेक्स 45 फीट की लेंथ के हैं और ये अग्रेसिव हैं ह्यूमंस के अगेंस्ट। टाइटनोबोआ कोलंबिया में इन्फिल्ट्रेट हुआ है। ये एडवाइस दी गई है कि वाटर बॉडी से दूर रहें। टाइटनोबोआ एक एक्वेटिक स्नेक है। दूसरी तरफ वासुकी इंडिकस एक टेरेस्ट्रिकल स्नेक है। टाइटनोबोआ की जनरली डाइट बड़ी फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स होती हैं। कोलंबिया नेशनल फोर्सेस वाटरवेज को क्लोज कर रही हैं इस क्रिएचर को कहीं दूर जाने से रोकने के लिए। हमें वासुकी इंडिकस के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये देखा गया है कि वासुकी इंडिकस ज्यादा अमाउंट में मैमल्स एंड ह्यूमंस को अटैक करता है। ये सर्पेंट अक्सर हिंदू गॉड शिवा के नेक के अराउंड क्वाइल होकर डिपिक्ट किया जाता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GPAC ग्लोबल प्रीहिस्टोरिक अफेयर्स कमीशन फॉर्म किया जा रहा है प्रीहिस्टोरिक इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए। इस बीच कई गवर्नमेंट्स इन ओपनिंग के ऊपर बॉम्बिंग करने का सोच रही हैं जिससे ये ज्यादा एंशिएंट एनिमल्स को रीअपेयर होने से रोक सके। एक वर्कर ने इन साइट्स में से एक साइट पर स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्ड की है। अब ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशंस में से ये क्रिएचर्स किसी ज्यादा खतरनाक चीज से बच रहे हैं। As an escape from something more dangerous. Stay tuned and stay alert as more dangers may appear.
एंड एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो हमने देखा पहले तो सिर्फ समंदर में ही वो होल्स बन रहे थे, बट अब वो होल्स हर जगह बन रहे हैं। एंड एपिसोड 2 के एंड में हमें ये पता लगा कि ये एंशियंट क्रिएचर्स किसी चीज से बचकर हमारे यहाँ आ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा थ्रेट है जिससे ये एंशियंट क्रिएचर्स डर गए। मुझे जो पॉसिबल रीजन लगता है, इन क्रिएचर्स की जगह पर एस्ट्रॉइड वगैरह गिरने वाला है, बट इन एस्ट्रॉइड के गिरने से पहले इन क्रिएचर्स को पता लग जाता है कि कुछ लाइक डिस्टर्बिंग होने वाला है, इसलिए वो बचने के लिए इन होल्स में इंटर कर गए एंड हमारे यहाँ आ गए। आई डोंट नो, इट इज जस्ट अ थ्योरी, शायद ऐसा हो सकता है एंड शायद नहीं, बट मैं अब एपिसोड 3 का वेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये एनालॉग हॉरर सीरीज पसंद आई तो तुम एज एन स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।